संबुल, संबुल। जी बेगम साहिबा। जी बेगम संबुल, यहाँ मेरी गोल्ड रिंग और ब्रेसलेट पड़े हुए थे, तुमने देखा तो नहीं? जी जी बेगम साहिबा, मैंने अभी सफाई की, यहीं पे पड़ी थी। कहीं संभाल के नहीं रखे तुमने? नहीं बेगम साहिबा। हाँ, वो जो मेहमान आई हुई थी ना, उसको मैंने आपके रूम से निकलते हुए देखा। सबा को? जी बेगम साहब। ओके, ठीक है, तुम जाओ। जी। नहीं नहीं नहीं, हम खाने के लिए नहीं रुक सकते। क्या सबा और उसकी दादी तुम्हारी तरफ आई थी? मुझे तो नहीं पता। मुझे तो कह कर गई थी कि बाजार जा रही है, और वो शायद हॉस्पिटल भी जाना था उन्होंने। अचानक ही आई थी और कहा था कि खाना खाए बगैर नहीं जाएंगी। मैं किचन में खाने का इंतजाम करने लगी तो अचानक ही चली गई, ये कहकर कि आरएस का फोन आया। कमाल है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देती मैंने कौन सा उन्हें रोक लेना था। सिर्फ झूठ ही नहीं बोला खाला, चोरी भी की है। मेरे कमरे में मेरी गोल्ड रिंग और कुछ और ज्वेलरी रखी थी, सब गायब है। मेरी मुलाजमा ने सबा को मेरे कमरे से निकलते हुए देखा था। क्या, चोरी? जी हाँ, शायद वो इसी मकसद से आई थी, और मैं समझी थी कि वो ताल्लुकात बहाल करने के लिए। कितनी अहमक हूँ मैं, आजमाए हुए को क्या आजमाना। बेटा, अभी तक वो घर नहीं आई, मैं सबा से पूछूंगी, तुम फिक्र ना करो। बात चीजों की नहीं है खाला, बात उसूल की है, धोखे की है, एतबार टूटने की है। जेबू, बेटा मैं मानती हूँ सबा ने बहुत गलत हरकत की है, लेकिन प्लीज तुम इस बात का जिक्र किसी से ना करना। बहू है मेरी, इस घर की इज्जत है, बच्चे की माँ बनने वाली है, अब हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है बेटा। खाला, मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप हूँ, मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रही हूँ। तुम फिक्र ना करो बेटा, अगर सबा ने चोरी की है तो वो सारी चीजें उसे हर सूरत में वापस करना होगी।